हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय त्रिपाठी एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक नई एक्सरसाइज। तो चलते हैं फटाफट क्लासरूम में और देखते हैं आज क्या है खास आपके लिए। तो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7 ऐप का प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 जो कि कक्षा 7 की गणित की किताब से लिए गए हैं, उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो चौथा प्रश्न है, 2400 रुपये के ऋण को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चुकता किया गया, तो देय चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें ये जानते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है मूलधन, जो कि मेरा है 2400 रुपये, और उसके बाद दी गई है दर, जो कि है 10% और वार्षिक, और समय दिया गया है 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष को हम एक एक वर्ष करके लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि मेरा साधारण ब्याज के बराबर होगा, और इसको निकालने के लिए हम सूत्र जो है साधारण ब्याज का ही लगाएंगे, और ये मेरा सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, और इसके बटे हो जाता है 100। तो यहाँ पर मेरा मूलधन दिया गया है 2400 रुपये, दर मेरी दी गई है 10%, और समय है 1 वर्ष, क्योंकि पहले वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 24 दहाई 240 से कम, तो ये 24 आगे जीरो आ गया, 240 रुपये ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा ब्याज आ गया पहले वर्ष के लिए। अब जो है दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, उसके पहले हम निकालेंगे दूसरे वर्ष के शुरुआत में मेरा मूलधन क्या होगा, यानी पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है, जो ब्याज आता है पहले वर्ष वो दूसरे वर्ष मूलधन में जुड़ जाता है। अब लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए मूलधन। अब मेरा मूलधन पहले वाला नहीं रहेगा दूसरे वर्ष में, ये हो जाएगा 2400 रुपये मेरा था, और इसमें 240 रुपये जोड़ दिए जाएंगे, तो ये 0 0 चार और 0 4 हो गए, 4 और 2 6 और 2, ये हो गया 2640 रुपये, ठीक है। अब हम सूत्र लगाएंगे दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। और ये मेरा हो जाएगा, वही सूत्र लगाएंगे साधारण ब्याज वाला, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे में हो जाएगा 100। तो अब मेरा मूलधन बदल गया, पहले से हो गया 2640, दर मेरा वही रहेगा और समय भी मेरा वही रहेगा 1 साल का, और नीचे भाग दे दिया जाएगा 100 का, 1 जीरो से 1 जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, ऊपर बचा 264 का, 1 में गुणा होगा तो वो मेरा 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 264 रुपये। ये क्या आ गया, ये मेरा ब्याज आ गया दूसरे साल का, ठीक है। तो अब मेरा कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा, वही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुल चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दोनों साल का जोड़ देंगे, तो पहले साल था 240, दूसरे साल था 264, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 4 और 0 4 हो गया, 6 4 10 की शून्य हासिल लगाइए, 1 2 2 4 और 1 हासिल का 5, 504 रुपये, और यही मेरा आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्तों, पांचवा प्रश्न इस प्रकार से है कि रुपया 4000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा 3 साल का, उसके बाद 3 साल का साधारण ब्याज निकालना होगा, और उसके बाद उन दोनों में अंतर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो दिया है हमें मूलधन, और मूलधन है मेरा 4000 रुपये, इसके बाद दी दर, और ये दर है मेरी
10% वार्षिक। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमें दिया गया है समय, और वो समय 3, जो कि एक एक करके हम तीनों साल का निकालेंगे 3 वर्ष। अब हम सबसे पहले करते हैं जो हमेशा से हम करते आए हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। और ये मेरा वही सूत्र लगेगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय, जो कि साधारण ब्याज का है, और बटे 100। अब मूलधन है इसमें मेरा 4,000 रुपये, और दर है मेरी 10% समय पहले साल के लिए, तो 1 हो गया और बटे में हो गया 100, तो 2 0 से 2 0 कट गए। अब ऊपर बचा 4 × 4 × 4, और ये 2 0 हो गए, तो ये मेरा हो गया 400 रुपये। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया पहले साल के लिए। अब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन मेरा हो जाएगा, जो पहले वर्ष का मूलधन था 4,000 रुपये, और जो पहले वर्ष का ब्याज आया, उन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4,000 में 400 जोड़ देंगे, 4,400 रुपये। अब हम लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें भी वही सूत्र लगेगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और इसके बटे हो जाएगा 100। तो यहाँ पर मेरा मूलधन अब की बार बदल गया, ये हो गया 4,400 रुपये, और दर हो गई वही 10%, और समय है वही 1 वर्ष, और बटे में हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट गए, तो 44 × 44 और 1 0 440 रुपये हो गया। तो ये 440 रुपये हो गया मेरा दूसरे साल का। अभी हमें निकालना है तीसरे साल का। तो पेज मेरा भर गया है, पेज पलटेंगे और अब हम देखेंगे तीसरे वर्ष के लिए मूलधन। अब तीसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा मेरा, पहले वर्ष था 4,000 रुपये, दूसरे वर्ष था 400 रुपये, और तीसरे वर्ष हो गया 440, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, तो 4,400 + 440 हो गए 840, तो हो गया 4,840 रुपये तीसरे वर्ष के लिए मूलधन। अब हम निकालेंगे तीसरे वर्ष के लिए ब्याज। तो तीसरे, और ये इसके लिए भी वही सूत्र, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस बार मूलधन मेरा बदल जाएगा, 4,840 गुणे दर हो जाएगी वही 10%, समय वही 1 साल के लिए बटे 100, तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये आ गया 484 रुपये, ये मेरा थर्ड ईयर का आ गया। अब हम निकालेंगे कुल चक्रवृद्धि ब्याज, और इसमें हम क्या करेंगे, तीनों साल का ब्याज जो आया है मेरा, उसको आपस में जोड़ देंगे। तो पहली साल था मेरा 400 रुपये, दूसरी साल था 440, और तीसरी साल था 484, तीनों को जोड़ देंगे, 4 0 0, तो 4 हो गया 8, 4 12 और 0, तो 2 हो गया हासिल 1 हो गया, 4 2 8, 4 3 12 और 1 हासिल का 13, तो 1324 रुपये आ गया, ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आया। अभी हमें निकालना है 3 साल का साधारण ब्याज, तभी तो अंतर पता चलेगा। तो 3 साल का साधारण ब्याज, और इसके लिए वही सूत्र मेरा रहेगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब साधारण ब्याज 3 साल का एक साथ निकाल रहे हैं, तो मूलधन मेरा 4,000 रहेगा, दर 10%, और समय 3 साल का, सॉरी बटे में 3 नहीं होगा, गलत लिख दिया मैंने, 100 होगा, 100 हो गया, 2 0 से 2 0 कट गए, तो 4 3 12
और 2 जीरो, तो क्या आ गया मेरा 1200 रुपये। ये क्या आया, साधारण ब्याज आया, और ये क्या था मेरा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम निकालेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो ये तीनों साल का इधर आया था 1300, ये ऊपर देख सकते हो आप 1300 24 रुपये, और माइनस साधारण ब्याज 3 साल का था 1200 रुपये, तो घटा देंगे तो आ जाएगा 124 रुपये। यही मेरा था आंसर। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इससे आप लोगों ने समझ लिया होगा कि दोनों में क्या अंतर है, और इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर अपनी समस्या बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।